हेलो दोस्तों, मैं पवन कुमार आपका स्वागत करता हूँ। आज हम HP के लैपटॉप के टॉप पैनल की फिक्सिंग करने चलेंगे। इसके अनबॉक्सिंग वीडियो आशा करता हूँ आपने देख ली होगी, अन्यथा आप आई बटन के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। ये हमारा टॉप पैनल है जो इसमें लगा हुआ लैपटॉप में, जो ऑलरेडी आप देख सकते हैं काफ़ी सारे पॉइंट से क्रैक हो गया है। जो हिंजेस थी वो जैम हो गई, उसकी वजह से ये टॉप पैनल में क्रैक आ गया, तो इसका रिप्लेसमेंट मैंने मंगवाया हुआ था। आज हम इसकी फिक्सिंग करने चलेंगे। ये टॉप पैनल है, आप देख सकते हैं ये हिंजेज है जो साथ में है, जो हम फिक्स करेंगे यहाँ पिन पॉइंट पे जो अंदर की तरफ है। अब हम टॉप पैनल को डिसमेंटल करना चालू करते हैं। इसे सावधानी पूर्वक करें। ये हमारा टॉप पैनल हो गया, इसका हमने फ्लैग कवर उतार लिया है। हिंजेस को आप देख सकते हैं बैक पैनल से क्रैक हो गया, नट बोल्ट बाहर आ गया, दोनों तरफ से ये क्रैक। अब हम हिंजेस निकालने के लिए ये स्क्रू बाहर निकालेंगे। ऊपर वाली साइड दो दो स्क्रू लगे हुए हैं और नीचे वाली साइड हिंज में तीन लगे हैं। एक्चुअली नीचे वाले टूट गए तो हम अकेले ऊपर वाले दो खोलेंगे तो ये पूरा पैनल ही बाहर आ जाएगा। ये जैसे देखा हमने ऊपर वाले खोले और पैनल बाहर आ गया। डिस्प्ले को निकालने के लिए हमें ये एक एक स्क्रू जो बॉटम साइड में लगे हैं इनको बाहर करना पड़ेगा। ये वाला तो स्क्रू ही उससे बाहर आ गया तो ये अनक्लैंप नहीं हो पाया। अब हम एक एक करके इसे बाहर निकालते हैं। अब डिस्प्ले को ध्यान से निकालेंगे। इस डिस्प्ले केबल को हम डिस्प्ले से सावधानी पूर्वक बाहर निकालेंगे। ये डिस्प्ले पैनल काफ़ी कॉस्टली है तो इसे सावधानी पूर्वक सेफ जगह रख देंगे। और ये पैनल है जो डैमेज हुआ है ऑलरेडी, ये ऊपर वाली साइड आप देख सकते हैं ये वायर लगी हुई है। इसमें आपकी एक कैमरे के लिए केबल है और एक वाईफाई अडाप्टर के लिए केबल आई हुई है। इनको सावधानी पूर्वक यहाँ से निकाल लेंगे। ये वाईफाई अडाप्टर है और ये कैमरा यूनिट के लिए जो केबल आई हुई है वो है, इसको हमने यहाँ से निकाल लिया है। ये हमारा पैनल अब अलग हो गया है और ये नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर तीन केबल यहाँ से निकल कर बाहर आ रही है, डिस्प्ले केबल, वाईफाई केबल और कैमरा यूनिट की केबल। अब हम नए पैनल के अंदर जो ये पुराने पैनल के अंदर ये स्ट्रिप लगी हुई है इनको निकाल कर नए पैनल में फिक्स करेंगे। और यहाँ पर ये एक स्टील की प्लेट लगी है जो कि इसमें पॉइंट पे मेल्ट करके लगा के पहले इसको पुराने पैनल से यहाँ से निकाल इसको यहाँ पर नए पैनल में ऐसे फिक्स किया जाएगा। अब यहाँ से मेन कैमरा यूनिट को रिमूव कर लेते हैं, इसको सावधानी से रख लेंगे। और ये जो स्ट्रिप है ये एल्युमिनियम फॉइल टाइप के कोई मटेरियल की बनी हुई है, इनको हम आराम से यहाँ से रिमूव कर लेंगे। अब नए पैनल में जैसे पुराने पैनल में लगी हुई थी वैसे ही इसको यहाँ पर फिक्स कर लेंगे। स्ट्रिप में कोई भी रिंकल ना बचे, हम इसे यहाँ से ध्यान से निकाल देंगे। इस स्टील वाली प्लेट को फिक्स करने के लिए यहाँ पे ये पॉइंट दिए गए हैं, इनमें से एक एक पॉइंट को यहाँ पर मेल्ट कर फिक्स कर देंगे। इसके लिए आप कोई भी स्क्रू ड्राइवर को गर्म कर सकते हैं, अगर आयरन है तो काम आसान हो जाएगा, अदरवाइज़ कोई भी स्क्रू ड्राइवर लेके प्लेन वाला उसे गैस चूल्हे पे गर्म करके आप आसानी से इसे मेल्ट कर सकते हैं। जैसे कि आयरन से तो ये आसानी से हो जाएगा, जैसे देख पा रहे हैं ये आप देख पा रहे हैं जैसे मैंने एक एक पॉइंट यहाँ पे दोनों तरफ मेल्ट कर दिया, इससे ये यहाँ पे इसकी पोजीशन फिक्स हो गई है और ये ऊपर वाली स्ट्रिप यहाँ पे लग गई है। अब हम ये बॉटम वाली स्ट्रिप यहाँ से ध्यान से निकालेंगे और नए पैनल में इसे भी फिक्स कर देंगे। We'll be right back.
अब हम बॉटम पार्ट को अनक्लैम्प करेंगे। और हाँ, ये बैटरी ज़रूर निकाल लें, ये मैंने बाद में निकाली, मैंने पहले स्विच ऑफ कर दिया था। तो इस बैटरी को आप पहले निकाल लें लैपटॉप से। और ये 10 इसमें स्क्रू लगे हैं, इन पोजीशन पे हमें यहाँ से इन्हें एक एक करके निकालना होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम हार्ड ड्राइव को निकाल लेंगे, ये स्क्रू उसका निकाल लिया है, ये हार्ड ड्राइव है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। जो जो स्क्रू बताए गए थे वो हम एक एक करके निकाल लेते हैं। और ये 4 स्क्रू इन रबड़ की स्ट्रिप के नीचे दिए हुए हैं, तो पहले स्ट्रिप रिमूव करेंगे एक एक, और फिर इनके नीचे से एक एक स्क्रू बाहर निकाल लेंगे। अब ये काम सावधानी से करने वाला काम है। अब इसे हम बिल्कुल सावधानी पूर्वक इन छोटे छोटे क्लैंप लगे हुए हैं इस बोर्ड के अंदर, उसको रिमूव करेंगे। और इस वीडियो में आप जैसे देख रहे हैं, ये तो स्पीड पे दिख रहा है कि वीडियो फास्ट प्ले हो रही है, जबकि ये काम मैंने बिल्कुल आराम आराम से इसे किया है। और ये जैसे कि आपको बताना चाहूँगा, मैंने जो इसकी वीडियो बनाई है, ये तो 1.5 घंटे की वीडियो बन गई थी, पर इसे काट पीट के मैंने इसे 12 मिनट की वीडियो के आसपास इसे ले आया हूँ। अब ये बॉटम पैनल हमारा इससे अलग हो गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर काफ़ी सारे क्रिटिकल पार्ट है, तो इन्हें सावधानी से हमें रखना होगा। और ये हिंजेस है जो इस बोर्ड की तरफ लगी हुई है, दोनों तरफ इसके 3-3 स्क्रू लगे हुए हैं, इनको हम रिमूव करेंगे। तो मैंने इसको पहले भी इस रिपेयर किया हुआ है, देख सकते हैं आप यहाँ पर एरर डाइट लगी हुई है, ये देख सकते हैं। इसको पहले भी मैंने इन पॉइंटों को फिक्स किया था, तब से ये चला था, अब की बार ये ज़्यादा ही क्रैक हो गया, तो मेरे को ये रिप्लेसमेंट इसका करना पड़ गया। और ये इन हिंजेस के ऊपर जो हिंजेस कैप लगी हुई थी, ये हिंजेस कैप है, और ये इस साइड का हिंज है, और इसमें एक स्क्रू इस फैन की तरफ भी लगा, तो इस फैन को भी हमें यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। ये तीनों केबल है, इनको हम हिंज कैप से ध्यानपूर्वक निकाल लेंगे। अब नए पैनल के अंदर ये दोनों केबल मैंने लगा दिए, वाईफाई अडाप्टर की, और ये कैमरा केबल हो गई। कैमरा हम बाद में फिक्स करेंगे, अभी हम डिस्प्ले इसमें लगाते हैं, इसकी फिक्सिंग चालू करते हैं। पहले इनके एक एक स्क्रू जो बॉटम वाली साइड है वो कर देते हैं, ये हिंजेस को क्लैंप कर देते हैं। ये बॉटम साइड के 3 स्क्रू हो गए, ऊपर के एक एक उस पर आ गए है। नई वाली हिंजेस कैप को वायरिंग के थ्रू निकाल कर प्रॉपर तरीके से यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं। और एक एक स्क्रू यहाँ पर भी हिंजेस पे लगेगा, इसको भी हम फिक्स कर लेते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। हम बचे हुए कैमरा यूनिट को भी ऊपर कैमरा केबल में फिक्स कर लेते हैं, और इसके पोजीशन में से भी फिक्स कर देते हैं। और अब फाइनली इस ऊपर वाले कवर को भी इस पैनल पे फिक्स कर देते हैं, ये ध्यान से कर देते हैं, इसमें यहाँ पे कोई स्क्रू नहीं है, सिर्फ ये क्लैंप में ही फिक्स हो जाएगा। और ये हमारा फाइनल टॉप पैनल रेडी हो गया है। अब हम बॉटम पैनल को इस पे हिंजेस के साथ क्लैंप करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पर पहले मैंने पिछली बार जब एरल डाइट लगा के फिक्सिंग करी थी, तो जो इसका स्टार्ट बटन था वो एरल डाइट के नीचे आ गया था। अब की बार हुआ क्या, जो पॉइंट थे बोल्ट वाले वो भी क्रैक हो गए, वहाँ फिक्सिंग से निकल गए, तो वो पीसीबी मेरे से बाहर नहीं निकली, तो मैंने ऊपर थोड़ी थोड़ी फेविक्विक इस पर लगा दी थी। अगर मैं उस स्टार्ट बटन के पीसीबी को निकालने की कोशिश करता तो वो क्रैक हो जाती, इसलिए मेरे को फेविक्विक ऊपर से छोटे छोटे पॉइंटों पर लगानी पड़ी। तो इसकी वजह से हुआ कि जो फेविक्विक थी वो पीसीबी के ऊपर चली गई, और नीचे का जो स्टार्ट करने का पुश बटन होता है उस पर भी चली गई, जिसकी वजह से वो फिक्स हो गए, एक वो लॉस हुआ है मेरे से। तो उसका रिप्लेसमेंट भी मैंने इसमें कर दिया है, तो वो 800 रुपये की अलग से मेरे को पीसीबी इसमें मंगानी पड़ी, जिसको कि आप आगे इस वीडियो में देखें। ये स्टार्ट बटन है जो यहाँ पर परमानेंटली फिक्स हो गया, इसको मेरे को यहाँ पे फोर्सफुली रिमूव करना पड़ा। ये पीसीबी है
जो स्टार्ट बटन की, इसको मेरे को अलग से परचेज करना पड़ा। और ये डैमेज्ड वाली पीसीबी है जो कि क्रैक हो गई थी, ये रिप्लेसमेंट मेरे को इसमें करना पड़ा। और जो पॉइंट थे इनको दोबारा हीट करके यहाँ पे फिक्स करना पड़ा, पर फिर भी ये कामयाब नहीं है। अब अगर मेरे को स्टार्ट करना होगा लैपटॉप तो वो ये बटन दिख रहा है येलो येलो सा, इसको पुश करना पड़ेगा। मैं फिर भी एक बार लैपटॉप इसे ऑन करके देखता हूँ दोबारा से, जैसे हमने पिछली बार इसकी क्लैंपिंग करी थी हर हिंज की हर बोल्टिंग की, वो दोबारा से इस पर करते हैं और वायरिंग को भी प्रॉपर तरीके से यहाँ पे दोबारा से फिक्स कर देते हैं। दोनों तरफ के हिंजेस मैं इसमें लगा देता हूँ। ये कूलिंग पैड है जो कूलिंग फैन की तरफ से आते हैं, इसको भी क्लैंप कर देते हैं। और ये ऊपर का टॉप पैनल हो गया बॉटम साइड का, इसको भी मैं यहाँ पे क्लैंप कर देता हूँ। और ये हार्ड ड्राइव हो गई, इसको भी फिक्स कर देते हैं। अब बचे कुछ जो भी स्क्रू बचे हैं वो जो जो पोजीशन है उनमें फिक्स कर देते हैं। चलिए अब आगे इसमें बैटरी लगाते हैं और इसे स्विच ऑन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस येलो वाले बटन को मेरे को यहाँ से दबाना पड़ेगा। इसे ध्यान से देखें, मैं उसे क्लिक कर रहा हूँ और ये इधर सफेद कलर की इसमें LED ग्लो कर रही है, तो यानी स्विच ऑन हो गया। चलिए देखते हैं। जी, हमारा लैपटॉप बिल्कुल सही तरीके से स्टार्ट हो गया। और हिंजेस की क्वालिटी की बात करें तो ये डिस्प्ले काफ़ी स्मूथली तरीके से रोटेट कर रहा है। अभी ये नई भी है, वैसे भी है, बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। इस चीज़ का आप भी ध्यान रखें, अगर आपको भी ये डिस्प्ले रोटेट करने में थोड़ी सी भी हार्डनेस लगे तो आप इसको सर्विस करवा लें। अब इसके अंदर मेरे को ये बॉटम वाला पार्ट भी शायद रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर मैं रिप्लेस करता हूँ तो इसकी भी वीडियो मैं अपलोड कर दूँगा और उसका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी बिल्कुल बताइएगा, और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।